अनुराग बसु ने साल 2003 में मूवी साया से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में जान अब्राहम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी और जोहरा सहगल शामिल थे। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में इनके डायरेक्शन में बनी दूसरी मूवी आई मर्डर। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, अस्मित पटेल, मल्लिका शेरावत और राज जोशी शामिल थे। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 22 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 22 करोड़ 49 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 2004 में ही इनके डायरेक्शन में बनी तीसरी मूवी आई तुमसा नहीं देखा। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, दिया मिर्जा, अनुपम खेर और शरद सक्सेना शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 92 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2006 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी है गैंगस्टर अ लव स्टोरी। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, शाइनी आहूजा, कंगना रनावत और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 50 लाख था और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 17 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2007 में इनके डायरेक्शन में बनी पांचवी मूवी आई लाइफ इन अ मेट्रो। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा और के मेनन शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ 50 लाख था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 22 करोड़ 9 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 24 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2010 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई काइट्स। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, बारबरा मोरी, कंगना रनावत और कबीर बेदी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 82 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 65 करोड़ 37 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 66 करोड़ 33 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2012 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई बर्फी। इस मूवी के लीड कास्ट में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज शामिल थे। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 143 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 174 करोड़ 73 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 2017 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई जग्गा जासूस। इस मूवी के लीड कास्ट में रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ, सौरभ शुक्ला और शाश्वत चटर्जी शामिल थे। इस मूवी का बजट 131 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 69 करोड़ 31 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 86 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2020 में आई मूवी लूडो। इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर अनुराग बसु थे। इस मूवी के लीड कास्ट में अभिषेक बच्चन, आदित्य राय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा शामिल थे। ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी और ये ही एज ए डायरेक्टर अभी तक की इनकी आखिरी मूवी है। अनुराग कश्यप की अपकमिंग मूवीज में पहली मूवी आशिकी 3 है। इस मूवी के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन, जेनिफर विंगेट शामिल हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 22 दिसंबर 2023 को थिएटर में देखने को मिल सकती है। दूसरी मूवी का नाम है मेट्रो इन दिनों। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य राय कपूर, सारा अली खान और पंकज त्रिपाठी शामिल हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। ये मूवी 29 मार्च 2024 को थिएटर में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको अनुराग बसु द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। अनुराग बसु की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।